नमस्कार, मैं सबकी शिक्षा में आपका बेहद स्वागत करती हूँ। अक्सर जब स्कूल में टीचर बच्चों को थप्पड़ मारते हैं या हाथ ऊपर करके लंबे समय के लिए खड़ा कर देते हैं, तो बच्चे घर पर जाकर माता पिता को नहीं बताते हैं, ये सोचकर कि माता पिता भी डांटेंगे और कहेंगे कि तुम्हारी ही कोई गलती होगी। जब माता पिता को यह बात पता चलती है कि स्कूल में उनके बच्चे को शारीरिक दंड दिया जा रहा है, तब वे भी स्कूल में जाकर इस बात की खिलाफत नहीं करते हैं, क्योंकि वे इस बात से अनजान हैं कि टीचर्स को बच्चों को किसी भी तरह की शारीरिक दंड देने की आज्ञा नहीं है। जी हाँ, अब स्कूलों में टीचर्स बच्चों के साथ मारपीट नहीं कर सकते हैं। बच्चों को किसी भी गलती पर टीचर्स उन्हें प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। हालांकि उन्हें बच्चों से बात करके या उनके माता पिता से बात करके ही बच्चों की गलती को सुधारने का प्रयास करना होगा। देश में स्कूलों में मिलने वाली प्रताड़ना से तंग आकर बहुत से बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी और कुछ बच्चों ने तो आत्महत्या भी कर ली थी। इन सब को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने किशोर न्याय अधिनियम 2015 लागू किया है। इसमें धारा 82 के तहत कार्यवाही का प्रावधान है। बच्चों या माता पिता के द्वारा शिकायत दर्ज करने पर पुलिस को संबंधित शिक्षक के खिलाफ उक्त धाराओं में प्रकरण दर्ज करना होगा। धारा 82 के अंतर्गत टीचर्स द्वारा शारीरिक दंड देने पर उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और दूसरी बार यह दंड करने पर उन्हें 3 महीने की जेल हो सकती है और संबंधित विद्यालय या संस्था पर 1,00,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। बाल संरक्षण अधिनियम 2015 और किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत टीचर्स की विद्यालय में ही कार्यशाला लगाई जा रही है और उन्हें इस मामले पर ट्रेनिंग भी दी जा रही है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अगर वे बच्चे को मारेंगे पीटेंगे तो बच्चा उनसे डरेगा और अपने काम पर ध्यान देगा और सही रास्ते पर चलने लगेगा, जबकि यह सोच बिल्कुल गलत है। अक्सर ऐसे बच्चों के दिल में डर, गुस्सा, हताशा, चोट, उदासी और नफरत जैसी नकारात्मक भावनाएं घर कर लेती हैं। वो तो अगली बार अपने बच्चों पर या विद्यार्थी पर हाथ उठाने से पहले ज़रूर सोचिएगा कि अगर कोई आपके साथ ऐसा करता तो आपको कैसा महसूस होता। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं जिसे बात करके सुलझाया या समझाया ना जा सके। आशा करती हूँ कि अब हमारे देश के बच्चों को शारीरिक दंड नहीं सहना पड़ेगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी का निशान भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।